हेलो बच्चा लोग, केमिकल काइनेटिक्स PYQ मेंस 2019 का क्वेश्चन करेंगे इस बार। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, NCERT लेवल का। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी वे आर डबल्ड द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? के टाइम्स ऑफ ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर आई। ठीक है, तो बोलता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है 0.3 से 2.4 हो जाता है। तो ठीक है, पहले 0.3 था, अब 2.4 हो जाता है, तो एक्सप्रेशन बना लेते हैं अपना। और क्या, तो 0.3 अब 2.4 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ दिस इनटू दिस। ऐसा क्या करने पे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी वी आर डबल्ड, डबल करने पे मतलब इसको 2A कर देते हैं, इसको 2B कर देते हैं। ठीक है, ऐसा किए तो ऐसा हो रहा है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2.4 बाय 0.3 कितना आएगा? पॉइंट पॉइंट गया 24/3, 8। के गया, यहाँ पे 2 टू द पावर x भी है, ए टू द पावर x भी है। ठीक है, 2A बाई A होल टू द पावर x, 2B बाई B होल टू द पावर, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाई होगा अपना वाई। ठीक है, दिख रहा है? तो बोला कि 8 टाइम्स हो गया है। क्या करने पे 8 टाइम हो रहा है? तो अपने को दिख रहा है कि क्या करने पे, अगर डबल किए तो 8 टाइम्स हो रहा है, तो अच्छी बात है। तो पहला इक्वेशन आ गया, 2 टू द पावर x 2 टू द पावर y, मिला के 8 गुना होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। सेकेंड, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए अलोन इज डबल्ड, तो ए का ही सिर्फ कंसंट्रेशन अगर डबल किए, 2A होल टू द पावर x, मतलब बी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब बी कट जाएगा है ना, तो रेट हो जाएगा 0.6, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे है ना, इधर कर लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 की 1 1 है ना, बी भी कट जाएगा। तो 0.6 बाई 0.3 कितना होता है? 2। के तो गया, 2A बाई A होल टू द पावर x, और b टू पावर y गया, क्लियर? तो ये आ गया 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू पावर x, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1 है ना। तो इसको बोल देते हैं फोर्थ। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन 4, पुट x इज इक्वल टू 1 इन 4, 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इंटू 2 द पावर y, ये यहाँ चल गया डिवाइड होके, 8 बाई 2 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y, और 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर इम्प्लाइज y इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 1 आया, y इक्वल टू 2 आया। तो टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट पार्ट में बोलता है टोटल ऑर्डर कितना है, तो हमारे हिसाब से तो टोटल ऑर्डर पावर्स होते हैं, ये होगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 4, गलत बात। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 आ रहा है, क्या लग रहा है? सही है, लग तो रहा है सही है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है, ये फॉल्स लग रहा है। आगे भी देखते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद बी इज 1, तो इन दोनों में तो एक ही ट्रू हो सकता था। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, फॉल्स, ए के रिस्पेक्ट में आपको 1 आया था। ठीक है, क्लियर हो गया अप्रोच? एकदम सिंपल NCERT लेवल क्वेश्चन है, और इतना सारा पहले वाले PYQ अगर करते हुए आ रहे हैं अपन, तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान लगना चाहिए, कि वन ऑफ द इजिएस्ट बीच में क्वेश्चन आ गया है। ओके ओके, थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय।